नमस्कार, डिलीशियस तड़का में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए बैंगन से बनने वाली बहुत ही लाजवाब रेसिपी लेकर आए हैं। वैसे तो बैंगन की बहुत सी रेसिपीज आपको हमारे चैनल पर मिलेंगी, लेकिन आज जिस तरीके से बैंगन बनाएंगे ये बिल्कुल नया तरीका है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए आप इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। हम लेंगे कढ़ाई, गैस ऑन कर लेंगे। मैं इसमें थोड़ा सा डाल रही हूँ स्मोक्ड मस्टर्ड ऑयल। सरसों के तेल को तेज गर्म करके मैंने ठंडा कर लिया था, मैं वो थोड़ा सा डाल रही हूँ। आप कोई भी कुकिंग ऑयल डालें, थोड़ा सा डालें, उसे फैलाते हुए गर्म कर लें। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा मैं इसमें डालूंगी हाफ टी स्पून जीरा, हाफ टी स्पून डाल रही हूँ काली वाली सरसों। मैं ली थी 4 से 5 लहसुन की कलियाँ, उनको पतला और लंबा काट दिया था, वो डाल रही हूँ। और इसके साथ ही मैंने थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा लिया था, उसे भी मैंने लंबे ढंग से ही काटा है, थोड़ा सा चला देंगे। 2 मैंने प्याज ली थी मीडियम साइज की, उसको भी ना मैंने पतले और लंबे ढंग से ही काटा है। इसको हमने भूनना है प्याज को। इसके साथ ही मैं थोड़े से 8 से 10 कड़ी पत्ते डाल रही हूँ, जिससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और प्याज को हमने भून लेना है 4 से 5 मिनट तक, सॉफ्ट होने तक। देखिए जो प्याज है हमारी हो गई है, हमने 4 से 5 मिनट तक इसको भून लिया है। अब डालेंगे कुछ मसाले। नमक आप स्वाद अनुसार डालें और ध्यान से डालें, थोड़ा सा नमक हम बाद में भी यूज करेंगे। अभी मैं हाफ टी स्पून नमक डाल रही हूँ, हाफ टी स्पून ही मैं डाल रही हूँ लाल मिर्ची पाउडर, ये कम तीखी वाली लाल मिर्ची है, मैं उसका यूज कर रही हूँ। हाफ टी स्पून डाल रही हूँ धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून डाल रही हूँ गरम मसाला। पहले इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। मैंने लिए थे 2 छोटे साइज के टमाटर, उनको छोटा छोटा काट लिया था, वो डाल रही हूँ। अब सब चीजों को हमने पकाना है और टमाटर को भी हमने थोड़ा सॉफ्ट कर लेना है। सब चीजें बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी हैं। अभी हम गैस को बंद कर देंगे, बाकी की तैयारी करेंगे और बाकी चीजें बाद में डालेंगे। मैंने ले लिए बैंगन, मैंने छोटे वाले बैंगन लिए हैं, इनको अच्छे से वॉश कर लिए हैं। ये ग्राम के हिसाब से 1/2 किलो के करीब है। सबसे पहले मैं इसकी डंडी को हटा दूंगी, आप चाहे तो डंडी समेत भी बना सकते हैं। उसके बाद मैं एक बैंगन में से 4 भाग करूंगी, ये देखिए इस ढंग से। और साथ में हमने चेक भी कर लेना है बैंगन खराब तो नहीं है। इसी ढंग से मैं पहले बैंगनों को काट कर तैयार करूंगी 4 भागों में। देखिए हमने सभी बैंगन को काट लिया। अब डालेंगे कुछ मसाले। नमक आप स्वाद अनुसार डालें और ध्यान से डालें, थोड़ा सा नमक हमने पहले भी डाला है। तो मैं अभी 1/4 टीस्पून नमक डाल रही हूँ, हाफ टी स्पून डाल रही हूँ इसमें मैं हल्दी पाउडर, और 1 चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ सांभर पाउडर। आप इसकी जगह कोई भी सब्जी मसाला भी डाल सकते हैं या गर्म मसाला भी डाल सकते हैं। अब इन सब चीज़ों को हमने बहुत अच्छे से मिक्स कर देना है इसमें। अभी मैं इसको एक साइड पर रख रही हूँ। मैंने लिया है एक छोटा मिक्सी का जार और मैंने फ्रेश नारियल लिया है। इस मिक्सी के जार में इसको मैं रफली चॉप कर रही हूँ। मैंने 1/2 जो होता है ना नारियल वो ही लिया है फ्रेश। अब इसको पीस कर तैयार करना है। देखिए इसको हमने पीस दिया, इसके पीसने में 5 टेबलस्पून पानी लगा है। अब जिसमें हमने बैंगन को मसाला लगाया था ना, इस पेस्ट को इसमें डाल देना है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, जो सांभर पाउडर होता है या चाट मसाला होता है ना, उसमें भी थोड़ा सा नमक होता है, इसलिए नमक ध्यान से डालें, स्वाद अनुसार डालें। अब इसको अच्छे से मिक्स कर दें। अब इसको हमने ढककर रख देना है 10 मिनट के लिए। ये 10 मिनट हो चुके हैं, अब इसको हम चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं जो सारी चीजें बहुत अच्छे से सेट हो चुकी है मसाले। मैंने कढ़ाई की गैस को भी ऑन कर दिया है। मैंने ली थी 4 हरी मिर्ची, उसको बीच में से हल्का हल्का चीरा लगा लिया है, बहुत बढ़िया लगेंगे इसमें। अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब जो बैंगन है ना उसको भी इसमें डाल देना है। थोड़ा सा इसमें मसाला लगा हुआ है, इसमें मैं बहुत थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ, ज़्यादा नहीं डालना है पानी। अब गैस को कर देंगे मीडियम। अब मसाले में मिक्स करते हुए बैंगन को हमने 2 से 3 मिनट तक बहुत अच्छे से भुनना है। ये देखिए बहुत अच्छे से भून लिया। अब गैस को कर देंगे लो मीडियम और इसको हमने ढक देना है 10 से 12 मिनट के लिए।
कि 12 मिनट हो चुके हैं इसे पकते हुए, अब इसको हम चेक कर लेते हैं। दो बार इसको हमने बीच में चला भी दिया था, पहले अच्छे से चला देंगे। देखिए आप देख पा रहे होंगे जो बैंगन है ना, बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं काफी हद तक। मैंने ली थी थोड़ी सी इमली, उसको बहुत थोड़े पानी में भिगो दिया था। नींबू के आकार की इमली ली थी मैंने, ज़्यादा बड़ी नहीं ली थी। अब इसको मैं छान के डाल रही हूँ, क्योंकि मेरे पास जो इमली थी वो बीज वाली थी। अब इसके रेशे और बीज को हम हटा देंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे इमली को पहले तो। अब लो गैस पर इसको हम ढक देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। 3 मिनट हो चुके हैं, अब इसको हम चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया सब्जी बनकर तैयार हुई है, जैसे आप चपाती, परांठे, पूड़ी, चावल किसी के साथ भी खा सकते हैं, और ये घर के हर सदस्य को बहुत ही पसंद आएगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए, आप कमेंट्स करके जरूर बताएं आपको कैसी लगी। धन्यवाद।